तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच एवरीवन जो आप मुझे इतना सारा प्यार देते हैं और इतनी सारी क्वेरी रहते हैं कि आरती कैसी हो, बेबी कैसा है, अपना ध्यान रखना। अभी भी मुझे मैसेज आते हैं इतने सारे, जबकि मैं ये वीडियो 2 महीने बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो थैंक यू गाइस, सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा थैंक यू आप लोगों को। तो चलो अब करते हैं वीडियो स्टार्टिंग। तो आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि आज है हमारा डिस्चार्ज डे, फाइनली आज हम डिस्चार्ज होंगे 4 डे के बाद। और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी घर जाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था मैं कब घर जाके नहाऊंगी, कब अपने बेड पे सोऊंगी, बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। बट अभी तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर आप लोगों को बता रही हूँ, बट उस टाइम पे मेरा थोड़ा सा तबीयत डाउन था। यू नो, मेरा सिजेरियन हुआ है तो ऑब्वियसली बात है, होता है, तबीयत डाउन रहती है। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा, अनुज और मैंने बहुत सुंदर से गाड़ी डेकोर करवा के रखी थी। मैंने अनुज को बोल के रखा था कि ऐसे करना, और अनुज भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और घर भी हम लोगों ने बहुत प्यारा डेकोर करके रखा था, सच बता रही, बहुत सुंदर लग रहा था। बट इतने अच्छे से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, ऑब्वियसली बात है, मैं तो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने जिन्हें बोला था वो थोड़ा सा रिकॉर्ड नहीं कर पाए प्रॉपर वीडियो, बट कोई बात नहीं, छोटी छोटी क्लिप आप लोगों को दिखाने के लिए और मेरी मेमोरीज के लिए इनफ है। मेरी बेबी बड़ी होगी ना तो देखेगी, तो उसके लिए भी एक मेमोरी बन जाएगी। और वेलकम परी हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें कुछ अभी नाम का आइडिया नहीं था, सब लोगों ने अपने अपने नाम रखे हुए थे और बुआ ने प्यार से परी रखा है, तो हमने सोचा चलो परी ही लिखा लेते हैं क्योंकि दादी का दिया हुआ नाम है प्यार वाला। तो यहाँ पे मेरा वेलकम हो रहा है बेबी का, अनुज का, तो मम्मी, बुआ, पापा सब लोग हैं, बहुत ज़्यादा खुश थे ये लोग भी। ऐसे लग रहा था कब घर आएंगे, कब हम लोग घर पे रहेंगे, कब बेबी को अच्छे से खिलाएंगे, ऐसा वाला सीन था। तो देख सकते हैं मेरा स्पेशली मेरी डिमांड थी कि बेबी के फुट प्रिंट लेना, क्योंकि घर की लक्ष्मी है हमारे घर की बिटिया, तो यहाँ पे हम प्रिंट ले रहे हैं और मैं इसको अपने लाइफ टाइम हमेशा अपने पास रखूँगी, हमेशा अपने पास रखूँगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग प्रिंट ले रहे हैं, बुआ ने आरती वगैरह उतारी और यहाँ पे अभी बेबी सो रही थी तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था लेना, बट सब लोगों ने मेहनत करके हो गया था। और अब चलते हैं सीधा ऊपर और देखते हैं ऊपर की क्या तैयारी है। और सच बता रही, बहुत सुंदर लग रहा था हमारा घर, पूरे फ्लावर से, पूरे बलून से सजा के रखा हुआ था। बट मैं, मेरा रूम ऊपर है तो मैं ऊपर जा रही हूँ, हालांकि मैं बहुत सेफली तरीके से गई, आराम आराम से। वैसे डॉक्टर ने मना किया था नहीं चढ़ना, बट मुझे अपने रूम पर ही कम्फर्ट आता तो मैं आराम आराम से चली गई ऊपर। तो फाइनली मैं अपने रूम पे पहुंचने वाली हूँ और आपको भी दिखाती हूँ कि कैसा डेकोर करके रखा है रूम। तो चलो, रोज़ वगैरह, बलून वगैरह लगा रखे थे और मम्मी यहाँ पे सबको टीका पूजा कर रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे टीका शुभ मौके पे लगाना बहुत अच्छा माना जाता है इसलिए। और यहाँ पे हमने कुछ फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर भी मंगाए थे, बट उन्होंने अभी तक मुझे क्लिप नहीं दी, तो सॉरी यार, मैं उसको ऐड नहीं कर पाई। बट हाँ, अगर मुझे मिलेगी तो मैं डेफिनेटली आप दिख रहे होंगे, शायद कोको नहीं दिख रहा होगा। और कोको को हम लोग इसलिए नहीं लेके आए क्योंकि कोको का रिएक्शन हमें नहीं पता, वो बेबी को देख के क्या करेगा या क्या नहीं करेगा, है ना। तो इस वजह से हमने थोड़ा सा कोको को अभी अलग रखा था, और अभी भीड़ भी थी तो इसलिए वो ज़्यादा एग्रेसिव ना हो जाए, वैसे वो एग्रेसिव नहीं होता है कभी। तो इस वजह से एज अ सेफ्टी साइड से, क्योंकि बलून थे और बलून से भी कोको डरता है, तो इसलिए हमने अभी दूसरे रूम पे रखा था। बट डेफिनेटली मैं कोको से ज़रूर मिलूंगी और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि मैं कब कोको से मिलूंगी। और ये रहा मेरा रूम, तो फाइनली मैं अपने रूम पे आ गई। और यहाँ पे अभी हम लोग प्रिंट इसलिए ले रहे हैं बेबी को क्योंकि वो ठीक से नहीं हुआ था, तो यहाँ पे बेबी के फुट प्रिंट ले रहे हैं। और बस ये था आज का छोटा सा व्लॉग, जितना हो पाया पॉसिबल मैंने आप लोगों के लिए क्लिप ऐड करी, एक मेमोरीज क्रिएट की। हम लोग पहुंच गए घर और बस आज नहाने वाली हूँ, तो फिर मिलती हूँ उसके बाद मैं आपको। और जो डेकोरेशन करवाया था हमने वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में आपको। थोड़ी देर तो मैंने आपको बहुत इजीली बोल दिया, बट मैं ये भूल गई थी कि अब मेरे पास बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, मेरी बेटी और उसका भी ध्यान रखना, वो भी मेरी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। बट डेली व्लॉगिंग करना अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो ये क्लिप जैसे जैसे मेरे को मिल रही थी, जो स्पेशल मोमेंट थे तो मैं उनको कैप्चर कर रही थी। तो यहाँ पर बुआ टीका लगा रही, क्योंकि बुआ के यहाँ पर रस्म होती है, आई थिंक 4th या 5th डे में होता है कि काजल लगाते हैं बच्चे को और बाकी के फैमिली मेम्बर को भी लगाते हैं। तो यहाँ पर हम सब लोगों ने टीका लगाया, तो बस ये छोटी छोटी क्लिप्स मैंने ऐड कर दी। और मम्मी भी यहाँ पे रुकी हुई है मेरी हेल्प के लिए, और बहुत ज़रूरी होता है इस टाइम पे, आपको माँ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, मुझे ऐसा लगता है। और तो यहाँ पे परी रो रही है क्योंकि टीका लग रहा था फर्स्ट टाइम, और बुआ कुछ कुछ सामान भी लेके आई थी, मतलब कपड़े, ये सब चीज़ें। तो या गाइज, ये था व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग आपको लॉन्ग तो अब थोड़े कम देखने को मिलेंगे, तो जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं शॉर्ट्स वीडियो में डालूंगी। तो ये रही मैं, तो बुआ मेरे को भी टीका कर
रही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तो तब तक के लिए बहुत सारा प्यार देना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और मेरी बेटी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना।